एसएसपी वाभिनगा वन विभाग की संयुक्त टीम ने की 15 बोटा खैर की लकड़ी बरामद। श्रावस्ती जनपद के सिरसिया क्षेत्र के भीतोहरिया गांव के समीप एक आम के बाग में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास आम के बाग में छिपा कर रखे गए 15 बोटे खैर लकड़ी मिली। जानकारी के मुताबिक जो पूर्वी सोहेलवा रेंज जंगल से काट कर लाया गया था, इस संबंध में भिनगा रेंजर राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि ये खैर के बोटे जहां छुपा कर रखा गया था उस बाग के मालिक शहज राम के द्वारा बताया जा रहा है कि लकड़ी राहुल वर्मा पुत्र राजेंद्र वर्मा पुत्र भोली का बताया जा रहा है, जो मौके से फरार है, जिसमें वन विभाग की तरफ से तीनों पर कार्यवाही की जाएगी। पूर्वी सोहेलवा के वन कर्मी वन दरोगा राजेश कुमार, फॉरेस्ट गार्ड आशीष सिंह, वही भिनगा वन विभाग रेंजर राकेश कुमार तिवारी, पैक्रमा मिश्रा वन दरोगा मौके पर मौजूद रहे। वही 62वीं वाहिनी एसएसबी की तरफ से भरत भूषण असिस्टेंट कमांडेंट अपने जवानों के साथ मौके पर मौजूद रहे। लकड़ी को कब्जे में लेकर कार्यवाही के उपरांत भिनगा रेंज पर ले जाया गया। क्या बात हुई? हम लोग है कोटा पे गल्ला लेने गए थे, तो 4 किलो दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं 4 किलो, 5 किलो मांगे तो जहाँ मन हो तहाँ जाओ, 5 किलो नहीं आएगा, 4 किलो आता है, 4 किलो ही देंगे। अच्छा, 4 किलो ही गल्ला आता है। संयुक्त रूप से छापेमारी की गई है एसएसबी और टीम द्वारा। कितनी लकड़ी बरामद की? बोटे हैं, खैर के बोटे हैं। ये कहाँ से बरामद की गई है? ये राजेंद्र प्रसाद वर्मा के घर के सामने, राहुल वर्मा के घर के सामने। तो ये लकड़ियाँ किसकी प्रतीत है? ये जंगल की प्रतीत है, सोहेलवा जंगल से लाई गई है। और कौन कौन इस छापेमारी में शामिल? इसमें हमारे स्टाफ समस्त घर पे भिनगा रेंज के स्टाफ हैं, और एसएसपी वाले दोनों के सहयोग से पकड़ी गई है, और सोहेलवा वन्यजीव परिवार के 2 स्टाफ मौजूद है यहाँ। कोई आरोपी गिरफ्तार हुआ है? नहीं, कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं।